और टीम बल्लेबाजी पर है एनआर की, जो टॉस जीत के बल्लेबाजी लिए और सामने है शहबाज की टीम। एसके वॉरियर्स फील्डिंग पर है, एसके वॉरियर्स। माजिद अपनी टीम के लिए पहली गेंदबाजी करते हुए, लद्दा बैटिंग पर है, दोनों जाने माने प्लेयर। और पहली बॉल खेलने की, अच्छी खेलने की कोशिश की, बहुत अच्छी बॉलिंग माजिद की तरफ से, लद्दा ने डॉट की है, लद्दा ने डॉट की है। दूसरी गेंद उड़ाने की कोशिश की, अच्छी फील्डिंग, एक रन की कामयाबी मिलेगी टीम एनआर को। स्ट्राइक पर है नवेद भाई, खुद टीम के ओनर, एनआर के टीम के ओनर स्ट्राइक पर है अपनी टीम को। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, क्लीन वाइड, माजिद की तरफ से क्लीन वाइड, और ये भी एक क्लीन वाइड। नवेद भाई बल्लेबाजी पर आते हुए ही बॉलिंग पर माजिद भपला गए। दो बॉल तीन रन, दो वाइड, अच्छी बॉलिंग माजिद की तरफ से, एक रन मिलेगा एनआर की टीम को, एक रन मिलेगा। तीन बॉल चार रन, उसमें दो वाइड था, अच्छी बॉलिंग माजिद की। और खेलने की कोशिश लद्दा ने, लेकिन अच्छी गेंद माजिद की तरफ से, चार बॉल चार रन, बहुत बेहतरीन ओवर अपने टीम के लिए कर रहे हैं माजिद। और ये नो बॉल, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, फर्स्ट वार्निंग माजिद को। चार बॉल पांच रन, ओ मिस फील्डिंग, और चार रन मिलेगा एनआर के टीम को। टीम एनआर के को मिलता है चार रन। पांच बॉल नौ रन, अच्छा स्कोर है टीम एनआर के का। बैटिंग पर लता, सामने बॉलिंग पर माजिद, ओ वन चेक, चेक किया है माजिद ने, आखिरी गेंद था, बोल चेक करके ले लेते, डॉट, बहुत अच्छी ओवर, अच्छी ओवर और अच्छा स्कोर, दोनों के लिए ठीक था। बल्लेबाजी पर है अब नवेद भाई ने स्ट्राइक लिया है बल्लेबाजी पर, और बॉलिंग साइड में है अमान, और स्ट्राइक ली है खुद ओनर, टीम के ओनर नवेद भाई अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करते हुए। देखते हैं इनका बल्ला कहां तक पहुंचता है, और बॉलिंग पर है अमान, एक ओवर नौ रन। बिना किसी नुकसान के अच्छी कोशिश, अच्छी कोशिश, ये रन आउट हो सकता था, ये रन आउट हो सकता था, अच्छी बॉलिंग अमान की। स्ट्राइक पर है लद्दा, टीम एनआर के लिए स्ट्राइक पर है लद्दा। अभी तक इन्हें अपने बल्लेबाजी बताई नहीं, ये भी जाने माने प्लेयर है। और कोशिश डायरेक्ट हाथ में अमान के, नुकसान है एनआर के, टीम एनआर के को बहुत बड़ा नुकसान, लद्दा का, लद्दा की विकेट गई है। बहुत अच्छी कैच अमान ने, हाथ में बैठ गई उनके, डायरेक्ट हाथ में बैठी है, बड़ा नुकसान टीम एनआर के को, लद्दा का बड़ा विकेट। बहुत अच्छी बॉलिंग अमान की, दो बॉल नौ रन, दो बॉल दस रन, दो बॉल दस रन,
एक विकेट के नुकसान पे टीम एनआर के। और ये क्लीन वाइड अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, दो बॉल 11 रन टीम एनआर के। ये भी वाइड और अंपायर ने फर्स्ट वार्निंग दी है आर्म्स के लिए। दो बॉल 12 रन, ठीक ठाक स्कोर है। और एक और हैट्रिक वाइट, अंपायर का इशारा क्लीन वाइट, दो बॉल 13 रन टीम एनआरके के लिए, ठीक स्कोर है एक विकेट के नुकसान पर। ये भी अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, दो बॉल 14 रन, सोहेल भाई गाइड करते हुए। अच्छा स्कोर है, ठीक स्कोर है टीम एनआरके के लिए। अभी भी अपना परफॉर्मेंस दिखाना इन्हें अच्छे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, लक्ष्य बहुत दूर। चेक किया मैंने, और ये डॉट बॉल, अच्छी गेंद अमान की तरफ से, तीन बॉल 14 रन। बल्लेबाजी पर है मोहम्मद, स्ट्राइक पर है मोहम्मद अपनी टीम के लिए। और ये क्लीन वाइट, क्लीन वाइट अंपायर का इशारा, क्लीन वाइट, तीन बॉल 15 रन। और मोहम्मद भाई के एक छक्के पे 100 रुपया शारिक के तरफ से। मोहम्मद भाई के लिए ऑफर आया है, एक छक्के पे 100 रुपया शारिक के तरफ से। पिछली मैच में समीर ने बनाया था, 800 रुपया अपने खाते में जमा किया था। स्ट्राइक पर है मोहम्मद, और अच्छा क्लासिक शॉट, क्लासिक एक रन के लिए। स्ट्राइक पर है नवद भाई, खुद टीम के ओनर। बॉलिंग साइड में अमान, देखते हैं। और डॉट बॉल, बहुत अच्छी बॉलिंग अमान की, बहुत अच्छी बॉलिंग। दो ओवर की समाप्ति पर हुआ है स्कोर, दो ओवर की समाप्ति पर हुआ है स्कोर 17 रन टीम एनआरके को, एक विकेट के नुकसान पर। अब आते हैं बॉलिंग पर शहबाज, आते हैं बॉलिंग पर शहबाज टीम के ओनर। मोहम्मद भाई के लिए अभी भी ऑफर जा रही है, अभी भी ऑफर जा रही है। मोहम्मद भाई के एक छक्के पे शारिक की तरफ से 100 रुपया दिया गया, दिया जाएगा, सॉरी। नो बॉल, नो बॉल मिलेगा, दो ओवर की समाप्ति पर 18 रन। डॉट बॉल, बहुत अच्छी बॉल, मोहम्मद समझ नहीं पाए अगले रन के भागने को कोशिश, लेकिन नाकामयाब। आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, लेकिन एक रन की कामयाबी। मोहम्मद भाई के लिए अभी भी ऑफर जा रही है, 100 रुपया एक छक्के पे शारिक की तरफ से। बॉलिंग पर शहबाज, और अंपायर का इशारा, वाइट बॉल, और वाइट बॉल पे एक रन भागे, मिलेगा दो रन, दो रन, दो रन की कामयाबी टीम एनआरके को। और स्कोर हुआ है 22 रन, 23 रन टीम एनआरके को, एक विकेट के नुकसान पे 23 रन, तीन बॉल 23 रन। अभी भी इन्हें अच्छे स्कोर के लिए अभी भी इन्हें तीन छक्के चाहिए, या तो दो छक्के मिनिमम चाहिए। और ये भी डॉट, ये डॉट हो सकती थी,
आगे पीछे हाँ ना, तुम मैं तुम मैं तुम मैं करते हुए हम तुम हो चुके हैं। और ये बिडॉट बॉल, कोई स्कोर नहीं। अच्छी अच्छी बॉलिंग शहबाज की तरफ से। चार बॉल 22 रन, अच्छी बॉलिंग शहबाज की तरफ से। बल्लेबाजी पर मोहम्मद और उठाया है अपने खाते में शारी की तरफ से 100 रुपया। अपने खाते में मोहम्मद ने 100 रुपए जमा किया है। बहुत ही रुक के मारा है, बहुत अच्छा शॉट। 28 रन 5 बॉल और ये भी वाइड बॉल। 1 6 पड़ते ही बॉलर गए भपल। दे दूसरा, ओ ये कैच हो सकती थी, ये कैच हो सकती थी। सेम कैच जिस तरह के अमान ने पकड़ा था वही सेम कैच हो सकती थी। और स्कोर हुआ है 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर हुआ है 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद ने अपने खाते में 100 रुपए जमा किया है, वो भी शारिक की तरफ से। और अगर 2 छक्के मारते हैं मोहम्मद तो फिर शारिक की तरफ से 500 रुपया। नो उधारी। और नवेद भाई को ऑफर आया, अगर नवेद भाई ने 6 मारे तो फहद रावल की तरफ से 100 रुपया। पैसों की हो रही है बरसात इस टर्फ में। 1 विकेट के नुकसान पे टीम एनआर के बॉलर की तरफ सोहेल। और अपने खाते में 100 रुपए जमा करते हुए नवेद भाई कुछ नहीं किया है, 1 कदम आगे लिया है और बल्ला घुमाया है। पहली बॉल पे सोहेल भाई ने कहा है छक्का, भारी पड़ सकता है ये छक्का। और नवेद भाई को मिला है फात रावल की तरफ से 100 रुपया। नवेद भाई के लिए एक और ऑफर है, फिर से ये और एक छक्का मारे तो 100 रुपया फिर से फात रावल की तरफ से। डिसीजन पेंडिंग, नो बॉल के लिए डिसीजन पेंडिंग है। बहुत अच्छा छक्का मारा है इन्होंने, 1 कदम आगे बढ़ाया है, हल्का बल्ला घुमाया और बॉल पहुंचाए अपने लक्ष्य की ओर छक्का। ये हो सकता था नो, कोई बात नहीं। 1 बॉल 35 रन, चौथी ओवर की पहली बॉल और 35 रन टीम एनआरके के लिए, अच्छा स्कोर है ये। इस 5 गेंदों में और अच्छा खेलेंगे तो ये अपने अच्छे अच्छे टारगेट की तरफ पहुंच सकते हैं। टीम के ओनर एनआरके नवेद भाई, इन 1 छक्के पे 100 रुपया फिर से फहद रावल की तरफ से। और फिर से अपने खाते में 100 रुपए जमा किया है इन्होंने, 200 रुपए फहद रावल की तरफ से, 200 रुपए जमा किया है इन्होंने अपने खाते में। बेहतरीन बल्लेबाजी, हल्का सा झुका अपना बल्ला घुमाया और बॉल छक्के की तरफ, आग लगा दिया इन्होंने तो आखिरी ओवर में। फिर से कोशिश, हैट्रिक, बहुत अच्छी बल्लेबाजी टीमों ने, अपने खुद की टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन। आग बरसते हुए नवेद खान। और यह वाइट गेंद, तीन बॉल। फिर से कोशिश की और ये हो गए नवेद भाई रन आउट। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेल है, अपने खाते में 200 रुपए फहद रावल की तरफ से जमा किया है इन्होंने। और 4 बॉल स्कोर हुआ है।
चार बॉल 48 रन, बहुत अच्छा स्कोर है टीम एनआरके का। स्ट्राइक पर है मोहम्मद, जिन्होंने अपने खाते में शारी की तरफ से 100 रुपए जमा किया था। और ये हो गए नो बॉल, ये था नो बॉल। अगर ये नो बॉल नहीं होता तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता, ये बहुत बड़ा नुकसान होता। चार बॉल 50 रन, बहुत बड़ा नुकसान होता अगर ये नो बॉल नहीं होता तो। दो बॉल बची है इस, ओ क्या गेंद घूमी है और अंपायर का इशारा, रन आउट है। आखिरी बॉल, ये जो पांचवी गेंद थी सोहेल भाई की तरफ से, बहुत अच्छी बॉलिंग थी, बॉल सडनली अंदर घुसा है। 3 विकेट के नुकसान पर टीम एनआरके 50 रन, आखिरी गेंद इस इनिंग की। और ये क्लीन बोल्ड 50 रन मारा है और 51 का टारगेट दिया है टीम एनआरके ने। एसके वॉरियर्स को मिला है 51 रन का टारगेट, जो कि है लंबा टारगेट। इन्हें शुरुआत से ही अच्छा खेलना पड़ेगा और अगले मैच का टॉस है। अगली मैच के टॉस के लिए रावल बॉयज के ओनर और टीम गब्बर के ओनर टॉस के लिए आ जाए प्लीज। रावल बॉयज के ओनर फहद रावल और टीम गब्बर के ओनर फहद वागू, दोनों फहद आमने सामने खेलेंगे इस बार। टॉस के लिए आए आइकॉन फाद रावल की टीम से आए, रावल बॉयज की तरफ से आइकॉन हुसैन और टीम गब्बर की तरफ से आए खुद ओनर फाद वागू। टॉस किया गया है, डिसीजन पेंडिंग और रावल बॉयज ने लिया, रावल बॉयज ने जीता है टॉस और ली है फील्डिंग। अगली मैच होगी रावल बॉयज और टीम गब्बर की। और अब एसके वॉरियर्स को जीतने के लिए चाहिए 51 रन, बहुत बड़ा लक्ष्य। शुरुआत से ही खेलना पड़ेगा एसके वॉरियर्स को, अगर जीतना है तो शुरुआत से ही खेलना पड़ेगा अपने टीम के लिए। हर बल्लेबाजी को अपने टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तभी ही ये लक्ष्य को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। अजान हो रही है, मिलते हैं अजान के बाद, मैच को रोक दिया जाए, अजान हो रही है।
मैच शुरू। सामने यहाँ बॉलिंग पर है इश्तियाक और बॉल नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल, मिलेगा एक रन, जीरो बॉल एक रन, जीरो बॉल एक रन, लक्ष्य बहुत दूर। अच्छी गेंद, क्विक गेंद और एक रन, वन डी बॉल, चार लगा कैमरामैन के टेबल को तो मिलेगा वन डी, एक बॉल दो रन, लक्ष्य अभी भी दूर। और उठाने की कोशिश बल्लेबाजी ने, इश्तियाक भाई ने उठाने की कोशिश की लेकिन एक रन की कामयाबी। खेल रहे शहबाज, स्ट्राइक पर है शहबाज, नीचे नीचे से खेला जा रहा है, एक एक रन की कामयाबी ली जा रही है। स्ट्राइक पर इश्तियाक और ये भी एक रन, फिर से एक रन की कामयाबी। स्कोर हुआ है चार बॉल पांच रन और ये वाइट, चार बॉल छह रन। अच्छी ओवर, बहुत अच्छी गेंद, उठाने की कोशिश, कीपिंग पर है नाजिम, पांच बॉल दो ओवर की समाप्ति पे रन हुआ है 14, एसके वॉरियर्स का रन है 14 और दो ओवर बाकी बिना किसी नुकसान के।
माजिद के हैट्रिक पर एजाज भाई की तरफ से 500 रुपया। और अंपायर का इशारा क्लीन वाइट। चार बॉल 13 रन। और बहुत दूर है लक्ष्य। एसके वॉरियर्स को भी बेहतरीन खेलना होगा। नहीं नहीं नहीं, और ये रन फिर से विकेट। दूसरा नुकसान टीम एसके वॉरियर्स को। विकेट मिला है लता के लिए। माजिद के हैट्रिक छक्का पे फ्रेंच टर्फ के एजाज भाई की तरफ से 500 रुपया दिया जाएगा। चीना के हैट्रिक छे पे भी 500 रुपया। बहुत पैसे आ रहे हैं, हम लोग ले नहीं रहे। चीना के एक रन पे 2 रुपया आदिल भाई की तरफ से। चीना के एक छक्के पे आदिल भाई की तरफ से भी 100 रुपया। चीना के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। चीना के हैट्रिक छक्का पे मोहम्मद की तरफ से भी 100 रुपया। और ये वाइट अतिक की तरफ 6 बॉल पे 29 रन। जीतने के लिए चाहिए 29 रन। और एक और वाइट 6 बॉल पर 28 रन। बहुत अच्छी बैटिंग करना होगा माजिद को। और नहीं, लक्ष्य बहुत दूर। जीत धुंधली पड़ती हुई। और टीम एनआर के जीत की तरफ। जीत उनके बहुत है करीब। 5 गेंद करीब है जीत। अपनी टीम के लिए उतरे सोहेल भाई बॉलिंग पर। अतिक बहुत अच्छा जज। वाइट बॉल।